everyone, hi, I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all to our channel that is Class Apart, one-stop solution for all these students here studying from class 6 to 12. So here students, when we are talking about an academy, it's this platform, yahan par aapko pata hai ki humare important sessions hote hai, premier hote hai. So I'm Anupriya, your social science educator. Agar aapne abhi tak an academy learning app nahi install kiya hai, toh fatafat install karo and get flat 10% off using my code APRI10 and try to ace in your school exams with an academy plus or iconic subscription. This is my total science introduction, your social science educator. I've completed my post graduation in modern history from Miranda House Tel University. Mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. When we're talking about the features of an academy, Bugs Bounty apna super duper amazing feature hai, where you guys have an opportunity to report any inappropriate content if you find in the video and be the first one to claim the prizes. Yahan par aapke liye bahut sare revision batches shuru ho chuke hain bachcha log. For example, agar hum CBSE class 9 ki baat kare, 14 September se आपका एक रिवीजन बैच शुरू हो चुका है फॉर मैथ्स इंग्लिश एंड एसएसटी. उसके अलावा 28 सितंबर से आपका एक और फोकस बैच शुरू हो चुका है मैथ्स साइंस और एसएसटी के लिए, वेयर योर टॉप नॉच एजुकेटर्स आर गिविंग यू बेस्ट कंटेंट फॉर योर टर्म 1. सो प्लीज गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट मिस ऑन दिस ऑफर. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हियर, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस क्यों लेना चाहिए? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें सुपर डुपर अमेजिंग एजुकेटर्स के सुपर डुपर अमेजिंग कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे बैच कोर्सेज के लिए. उसके अलावा आपका रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सिलेबस का, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, आप सब कुछ यहाँ पर दे सकते हो. 3 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक वैरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों, तो 1125 रुपीज पर मंथ आपको देना होगा आफ्टर डिस्काउंट. 13,500 टोटल कॉस्ट है. तो यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट आप ले सकते हो यूजिंग माई कोड APRI10. आइकॉनिक की जब हम बात करते हैं तो प्लस के सारे फीचर्स है. उसके अलावा पर्सनल मेंटर 24/7 आपके लिए, लाइव डाउट सॉल्वर्स आपको मिलेंगे जो आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको देंगे. उसके अलावा वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए. पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं. स्टडी प्लानर भी सारे बच्चों को मिलेगा, सो दैट यू गाइस कैन एस इन योर एग्जाम्स विद अमेजिंग मार्क्स हियर. तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ्स का आपको पर मंथ 2100 पर मंथ होता है. 25,200 टोटल कॉस्ट है आफ्टर डिस्काउंट. माय कोड इज APRI10, जो श्रद्धा भक्ति के साथ सारे बच्चे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट. दोनों में सबसे मस्त और अमेजिंग फीचर है, माय पर्सनल फेवरेट फीचर इज राह, यानी कि रेज अ हैंड फीचर, वेयर यू गाइस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क one to one interaction with your educator. कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आप सीधे रेज अ हैंड फीचर का यूज करो और अपने मधुर ध्वनि सुना के आप अपने एडुकेटर से यहाँ पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. अगर आपको पार्ट्स में पे करना है तो 12 महीने से ज्यादा वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, 0 कॉस्ट EMI पे. मस्त आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का पूरा मजा ले लो, ठीक है. उसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस है सभी बच्चों के लिए. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है चैट्स और इमोजीज के साथ. क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन पूछिए, वहीं पर आपका सोल्यूशन मिल जाता है सारे क्वेश्चन का. यहाँ पर रेज अ हैंड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स है. लाइव पोलिंग सेशन होते हैं, प्लीज ब्रिंग योर फ्रेंड अलॉन्ग. आप कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट किया करो बच्चों. कॉम्बैट हमेशा होता है हर संडे को for the students of class 9th year, and do not forget to follow me on Unacademy. Now let's start the second part of story of village Palampur. तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने village Palampur में factors of production के बारे में बात किया था. We were talking about the factors of production. When we are talking about Palampur या फिर in general, हमने Palampur का example लिया था एक imaginary village के तौर पे and trying it to relate it with the villages that we find in our country itself. तो यहाँ पर हमने land के बारे में पढ़ा, labor के बारे में पढ़ा, we were talking about capital and then we talked about the human capital or enterprise in that sense, right? तो यहाँ पर हमने एक तरीके से क्या क्या समझ लिया है. We have understood कि जब भी हम land की बात करते हैं सबसे foremost requirement आपका होता है, उसके बाद labor के ऊपर हम work on करते हैं, उसके बाद कैपिटल चाहिए होता है, राइट? तो सबके बीच में हमने कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की. फिर हमने देखा कि जब पालमपुर की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली वहां पे लैंड वाज फिक्स्ड और स्कोप नहीं था फार्मिंग एक्टिविटीज को यहां पर इंक्रीज करने का, राइट? तो ये वाला पार्ट हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, दैट इज हु इज गोइंग टू प्रोवाइड लेबर. वी ट्राई टू अंडरस्टूड कि किस तरीके से अगर हम पालमपुर की बात करते हैं तो लैंड अगर हमारा फिक्स्ड है तो किस तरीके से वहाँ पर जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रोवाइज या फिर उसको अच्छे से इम्प्रूव करते हुए विथ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से वहाँ पर फार्मर्स ने मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट लाया. उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया. हमने इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, राइट? सो यहाँ पर अपना सेकेंड पॉइंट आता है दैट हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड लेबर इन पालमपुर.
या फिर इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजेस इन आवर कंट्री. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मिंग एक्टिविटी बच्चा लोग, वी सी दैट अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहां का प्राइमरी ऑक्यूपेशन टिल टुडे इज फार्मिंग, राइट? और फार्मिंग एक्टिविटीज में ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. सो अगर किसी भी एक एग्रीकल्चरल ईयर की बात की जाती है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोइंग टिल द पार्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी फार्मर ने क्रॉप्स को अगर सीड्स को अगर सो कर दिया फील्ड में, उसके बाद वो एकदम मस्त रिलैक्स करके सोने चले जाते हैं. नहीं, दे हैव टू वर्क ऑन द क्रॉप, राइट? ताकि यहाँ पर उनको एकदम मस्त जो गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप से उनको मिल पाए विद दी केमिकल डोजेस जो भी है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इन सब का यूज करते हुए, राइट? सो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पालनपुर, उसमें हमने समझा कि हमारे कुछ आपके लैंडलेस फार्मर्स है, उसके अलावा हमने ये भी समझा कि स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है, और उसके अलावा हमने समझा कि अपने लार्ज फार्मर्स भी है, राइट? तो जब हम स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं, जिनके पास अपना छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड होता है, दे आर कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज. तो इन जनरल अगर आप इंडिया में किसी भी रूरल विलेजेस में अगर आप चले जाओगे, तो वहां पर आप देखोगे कि जो आपके स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास अपना छोटा सा फील्ड ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड होता है, जिसपे वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए दे आर ट्राइंग टू यू नो ग्रो द क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर लैंड, राइट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, उनको क्या करना पड़ता है कि आपके जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत सारा प्लॉट्स ऑफ लैंड है, वो क्या करते हैं, दीज पीपल दे आर हायरिंग दी फार्म लेबरर्स, जो कि आपके लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनके पास खुद का फील्ड नहीं होता है काम करने के लिए, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स. तो यहाँ पर आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं, वो आर ओनिंग मोर देन 2, 3, 4, 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड हियर, दे आर हायरिंग दी फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. तो इस तरीके से आप एक सीन इमेजिन कर सकते हो. अब जब हम बात करते हैं about the wages here, we see that जो wage होता है बच्चों, it is paid in cash or kind, right? So यहाँ पर मान लो कि अगर मैं किसी large farmer X की बात कर रही हूँ, उसने एक small farmer small नहीं, जो आपके agricultural या फिर farmless आपके laborers होते हैं जिनके पास agriculture land नहीं है, तो यहाँ पर कोई अपना Y नामक इंसान है, वो X के अंडर काम कर रहा है. Now X here can pay for the work in cash, they can give them cash, या फिर हो सकता है kind, यानी कि crop के form में, कि जितना भी यहाँ पर production हुआ है उसका certain amount crops जो भी अपना है वो white को उन्होंने थमा दिया, ठीक है? Now wages they vary widely from region to region, from crop to crop and from one farm activity to another, कि किस region में कैसा crop grow किया जा रहा है, कितना crop grow किया जा रहा है, उसके basis पे भी यहाँ पर wages काफी vary करते हैं, okay? अब आपके book में एक बहुत ही simple सा example है about a man who is Dala. Now Dala is a landless farm laborer who is working on daily wages. अब यहाँ पर आपने एक term सुना होगा बच्चों, that is called Dihari workers. Means that अगर आप urban areas में भी चले जाओ या rural areas में चले जाओ, तो आपके एक तो agricultural laborers होते हैं और आपके एक casual laborers होते हैं. Now these are the people जिनके पास एक होता है permanent काम नहीं होता है. Now they are always dependent on daily wages, कि daily basis पे वो थोड़ा थोड़ा काम कहीं से लेते हैं और per day basis पे उनको अपना wage आता रहता है. Now when we are talking about Dala, we see that he is a landless farm laborer. अब पूरे टाइम ही इज टोटली डिपेंडेंट कि अगर किसी दिन उनके पास काम आया गुड एनफ, उनके पास उसी दिन वेजेस भी मिल जाएंगे उनको एज पर द वर्क दैट हैज बीन डन बाय हिम. अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर क्या होता है, वो बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड भी रह सकते हैं, right? So here when we are talking about the condition of Dala, we see that he has to work regularly or he has to look for work regularly. अब यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए obviously whenever we are talking about the rural areas, government have introduced a lot of new schemes in order for the betterment of the lives of the farmers or let's say anyone who is employed in this agricultural sector, right? तो उनके betterment के लिए क्या है कि बहुत सारी new schemes को introduce किया जाता है, आपने बहुत बार newspapers में media में सुना होगा. तो यहाँ पर government के द्वारा ना कुछ minimum wage भी set किया जाता है. ऐसे अगर हम farm laborers की बात करते हैं तो government ने कहा है कि जो minimum wage मिलना चाहिए it was set at ₹300 per day, ठीक है? अब यहाँ पर पालनपुर में क्या है कि 300 रुपीस सभी को ना मिल पाए, तो यहाँ पर लोग 160 रुपए में भी काम करने को रेडी है. गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय किया कि पर डे ₹300 मिनिमम है जो कि यहाँ पर फार्म लेबर्स को देना चाहिए.
लेकिन यहाँ पर इतना हेवी कॉम्पिटिशन था पालकपुर में दैट दीज एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक दादा दे वर रेडी टू वर्क एट एनी गिवन प्राइस हियर, क्योंकि उनको बस काम की जरूरत है, वो डेली वेज आपके अर्नर्स है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर. तो जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल ग्रुप. अगर हम फार्मलेस लेबर्स की बात करते हैं जिनके पास लैंड नहीं है, वैसे लेबर्स को यहाँ पर मीडियम और लार्ज फार्मर्स हायर करते हैं. ओके, अब हमारा लैंड और लेबर के ऊपर डिस्कशन हो चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल दैट वी आर नीडिंग इन फार्मिंग. अब यहाँ पर जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल देखो मनी के सेंस में भी देखा जाता है बच्चों, और एसेट के फॉर्म में भी देखा जाता है. Right. So here when we are talking about the small farmers, we see that small farmer के पास एक तो बहुत ज़्यादा land होता नहीं है, और definitely उनके पास बहुत ज़्यादा savings नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा सा amount ही रहता है जो कि market में वो sell भी कर पाए तो कर पाए, as mostly वो self consumption ही उनका होता है जो भी वो crops grow करते हैं. So यहाँ पर जो आपके small farmers होते हैं वो अपने land पे मान लो कि उनको tractor खरीदना है, मान लो कि उनको thresher खरीदना है, मान लो कि उनको fertilizers और pesticides खरीदने हैं, तो यहाँ पर उनके पास इतना अमाउंट भी नहीं है कि कोलैटरल के फॉर्म में वो क्या करे, बैंक को शो कर पाए. तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि मनी लेंडर्स या फिर बिग फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. राइट, तो कोई भी स्मॉल फार्मर मान लो कि अगर उनको क्रॉप ग्रो करना है तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बैंक से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एंड दे आर बोरोइंग मनी फ्रॉम दीज पीपल या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, नहीं तो यहाँ पर वो इन जनरल मनी लेंडर्स या फिर बिग फार्मर से यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं इन ऑर्डर टू टेक द लोन. ठीक है, नाउ दे आर सप्लाइंग वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. ठीक है, इस तरीके से कैपिटल अरेंज किया जाता है फॉर दी स्मॉल फार्मर्स. Now when I'm talking about the medium and the large farmers, we see that medium or large farmers की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, definitely they have large plots of lands here. मतलब इतना है कि वो खुद का self consumption भी कर लेते हैं by growing the crops, घर के लिए भी उनका खाना पीना थोड़ा हो जाता है, और वो market में भी sell करते हैं. अब market में अगर उन्होंने sell किया तो definitely they are getting certain amount of money or capital from that particular sale that they have done. Right or not? तो यहाँ पर वो उनके savings के तौर पे काम आता है. So therefore they are able to arrange for the capital needed. अब capital आप बहुत सारे sense में समझ सकते हो. जब हम capital की बात करते हैं तो यहाँ पर let's say assets यानी कि tractors इन सब की बात की जा रही है, threshers इन सब की बात की जा रही है, उसके अलावा बहुत सारे modern implements या tools है जिसको बड़े बड़े farmers use करते हैं ताकि वो एकदम best variety of crops grow कर पाए अपने land पे, और market में sell करें तो उनको maximum profit भी मिले. So, इस तरीके से जब हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बात करते हैं उनके पास खुद की सेविंग होती है जिसको वो यूज कर सकते हैं. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि अपना सबसे लेबर एब्जॉर्बिंग, एक क्वेश्चन आपका आता है कि अपना जो सबसे लेबर एब्जॉर्बिंग कौन सा वर्क है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना एग्रीकल्चर की बात हो रही है प्राइमरी एक्टिविटी में. ठीक है, और सबसे अबंडेंट भी आपका कौन सा है भाई, तो लेबर के बारे में बात किया जा रहा है. अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे अबंडेंट आपका कौन सा है, मतलब कि सबसे थोक भाव में क्या प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि लेबर. ठीक है, पालनपुर के एग्जाम्पल से तो लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में हम सबने डिस्कस कर लिया. राइट, उसके अलावा आप देखो कि जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लार्ज फार्मर और फार्मर का नाम है लेट्स से मीठा सिंह, चलो एक अच्छा सा नाम उनको दे दिया मैंने मीठा सिंह. मीठा सिंह अपने एक लार्ज फार्मर है. अब उन्होंने लेट्स से यहाँ पर अपने लैंड पे उनको जरूरत कितनी की थी, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर उनका यील्ड उनका आया. ठीक है, उनके पर्टिकुलर लैंड से. ठीक है, अब इसका जो यहाँ पर उनका जो भी लेट्स से 1/3 या 2/3 जो है उन्होंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा. ठीक है, लेकिन एक 1/3 प्रोपोर्शन भी है जो उनका बचा रहेगा. तो ये जो 1/3 प्रोपोर्शन बचा रहेगा बच्चों, दैट इज दी सरप्लस अमाउंट, मतलब कि इतना खुद के कंजम्पशन के लिए उनका यूज हो गया, अब इतना जो है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है. सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा के सेंस में. तो जो एक्स्ट्रा क्रॉप उनका बचा हुआ है वो क्या करते हैं, उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू गेन द प्रॉफिट हियर. सो फार्मर्स दे हैव प्रोड्यूस्ड वीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट इन द मार्केट. कुछ अमाउंट जो है वो उन्होंने क्या किया, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए फैमिली के लिए रख लिया है, और बाकी जो होता है वो मार्केट
मार्केट में ले जाते हैं, थोक भाव पे उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब इसी से एक सर्टेन अमाउंट उनके पास आता है जो कि वो बैंक्स में सेविंग्स के तौर पे रखते हैं। तो यहाँ पर जब सरप्लस की बात की जाती है, एक्स्ट्रा लेट्स से प्रोडक्शन की बात की जाती है, सो स्मॉल फार्मर्स के पास ना बहुत लिटिल सरप्लस होता है। दिस इज वन थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर। लेकिन भाई अगर हम लोग मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करते हैं, दे आर सप्लाइंग द वीट टू द मार्केट। क्यों भाई? बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा सरप्लस, उनके पास ज्यादा सरप्लस है क्योंकि उनके पास लैंड ज्यादा है, इसीलिए उनके पास स्कोप होता है टू ग्रो मोर क्रॉप्स। अगर ज्यादा क्रॉप ग्रो किया तो सेल्फ कंजम्पशन का भी पार्ट हो जाता है और मार्केट में सेल भी कर देते हैं। ठीक है, so small and medium and large farmers, they are selling the surplus farm products and a part of earning is saved and kept for buying capital in the next season. अभी next season में जब उनका agriculture year आएगा, जो भी crop वो grow करते हैं, फिर उससे वो क्या करते हैं, जो भी capital, जो भी उनको raw material, जो भी सामान needed है, वो उसी savings से यहाँ पर use करते हैं। Right students, now this was all about the farming activities, or let's say whenever we are talking about the farming activity that was being followed in Palampur, yeah, in generalized sense agar hum villages ki baat karte in our country. Now let's focus on the non-farming activities that was there present here or being followed or being practiced by the people living in Palampur. To ek taraf humne samjha ki yaar mostly jo log wahan pe rehte the Palampur mein bachcho, wo kya tha, farming activity mein indulge the, lekin apna 25% jo tha bachcha population ka, they were engaged in non-farming activities. Now you might be thinking ki ma'am non-farming activities mein kaun kaun se options aate hain, to yahan par aap khud bhi soch sakte ho, something that is not related to farming at all. So it means that if I'm talking about dairy, if I'm talking about small manufacturing units, ये सब मेरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल शॉप्स, ये मेरा यहाँ पर क्या आएगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा। अगर मैं यहाँ पर लाइफ स्टॉक की बात कर रही हूँ, ये सब अपना क्या होता है बच्चा लोग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था दैट वॉज बींग प्रैक्टिस बाई द पीपल इन पालमपुर, इट वॉज डेयरी। और डेयरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु ओन कैटल, राइट। उनके पास कैटल्स हुआ करते थे और यहाँ पर वो मिल्कमैन हुआ करते थे जो कि एडजॉइनिंग एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में अपने मिल्क को सेल करने जाते थे। सो यहाँ पर जितने भी लोग थे, हमें कैसे पता चलता है कि व्हाट वर द क्रॉप्स दैट वर ग्रोन हियर, तो ऑलरेडी आपने ज्वार बाजरा पोटैटो शुगर केन इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं काउ की या फिर यहाँ पर जो भी कैटल्स रखा करते थे, सो उन बफेलोस को क्या करना पड़ता था, ग्रास देना पड़ता था और ज्वार देना पड़ता था। ज्वार बाजरा वाज समथिंग जो कि फूड एंड फॉडर के तौर पे यहाँ पर यूज किया जाता था। और जो भी मिल्क यहाँ पर ये लोग यू नो प्रोड्यूस करते थे, निकालते थे बच्चों, दैट वाज सोल्ड इन द एडजॉइनिंग विलेज दैट इज रायगंज। अब ये सब आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आ सकता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, तबेला जो आपने टर्म सुना होगा कि यहाँ पर आपके बहुत सारे बफेलोस काउ इन सबको रखा जाता था, उनको फीड किया जाता था और मिल्क यहाँ पर उनसे निकाला जाता था ताकि उसको एडजॉइनिंग विलेजेस में और उस विलेज में सेल किया जाए। तो ये अपना एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गया। दूसरा अपना एग्जांपल है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। अब यहाँ पर जब हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, आप इन जनरल सोचो कि अगर खुद भी अगर आप किसी भी विलेज में जाते हो तो वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देखने को नहीं मिलते हैं। यू गाइस आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर केन इंडस्ट्री की बात करो, तो एक छोटा सा यूनिट रहेगा जहाँ पर शुगर केन क्रशिंग मशीन होगा, वहाँ पे शुगर केन को क्रश किया जाता है। अगर आप वीट फ्लोर मिल की बात करो, तो वो सब आपको छोटे छोटे विलेजेस में मिल सकते हैं। सो लेस देन 50 पीपल दे वर एंगेज इन दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, तो अगर आप विलेजेस में जाओगे बच्चों, तो बहुत कुछ ना बास्केट वीविंग से रिलेटेड या फिर होम मेड चीजें होती है जिनको मार्केट में सेल किया जाता था। सो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घर के लोग आपस में मिलके करते थे, फैमिली मेंबर्स दे वर इन्वॉल्वड इन इट, या फिर उनको फील्ड में भी किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में आप शुगर केन क्रशिंग इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इन दीज इमेजेस हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब यहाँ पर जब हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनके पास छोटे छोटे शॉप थे। अगर आज के डेट में आप मान लो किसी सिटी में रहते हो, राइट, तो ग्रोसरी के बहुत सारे शॉप्स आपके एरियाज में, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कोई आप मार्ट में भी जा सकते हो, वी मार्ट के बारे में सुना होगा, बिग बाजार के बारे में सुना होगा, है ना, तो वहाँ पर आप एक साथ
इकट्ठे घर का सारा सामान खरीद लेते हो, लेकिन क्या ये ऑप्शन विलेजेस में अवेलेबल है? नहीं, वहाँ पे अपने छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पर चीजें थोक भाव में लोगों को मिल जाती है, राशन पे लोगों को मिल जाती है, है ना? सो हियर वी सी दैट देयर आर सो मेनी शॉपकीपर्स इन पालमपुर एज वेल जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. So people, they were involved in trade, that is exchange of goods. They were not a lot, बहुत सारे लोग भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि बहुत मतलब involved थे इन सब चीज़ों में. तो यहाँ पर मान लो कि अगर pottery की बात की जा रही है, छोटे छोटे दुकान की बात करिए, तो village में अगर आप जाओगे तो ऐसे कुछ scenes आप देखोगे, है ना, कि family members पूरे इस work में यहाँ पर क्या है वो पूरे इन्वॉल्व है. अगर किसी फैमिली की बात करें तो उनके पास छोटा सा दुकान है जिसमें वो छोटी मोटी चीजें यहाँ पर सेल करते हैं, राइट. सो यहाँ पर जब हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं तो ट्रेडर्स और यहाँ पर उसके अलावा जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो विलेजेस में सामान यहाँ पर सेल करते थे, और उसके अलावा क्या वो होलसेल मार्केट में जाकर सामान को लाया करते थे. तो दिस इज अ साइकिल दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर. Last but not the least, we have to talk about the transport activities. Now this was a fast developing sector. चैप्टर की शुरुआत में जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों, तो आपने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ऑलरेडी जब हम बात करते हैं पालमपुर की, तो आप बच्चों ने ऑलरेडी ये पार्ट पढ़ रखा है कि पालमपुर में यहाँ पर जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में आपने बुलक कार्स, आपने टांगास के बारे में पढ़ा, मोटर व्हीकल्स के बारे में पढ़ा, तो विलेजेस में जाओगे तो आपको कोई बड़े बड़े गाड़ियाँ तो नहीं मिलेंगी. बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक तो वहाँ पे आपके जो रोड्स होते हैं कच्चा और पक्का रोड का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है. उसके अलावा यहाँ पर बहुत नैरो रोड्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, तो वहाँ पर जनरली एक ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर लाइक वाइज अगर मैं पालमपुर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिक्शा वाला दिखेंगे, टांगा वाला दिखेंगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल हु आर ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, दे आर फाउंड इन दिस रीजन एंड दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी हियर, राइट. सो लेकिन ये भी देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है पालमपुर का, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से पीपल मोटर व्हीकल्स, वो भी आपको थोड़े बड़े अतरंगी तरीके के भी मोटर व्हीकल्स आपको नजर आएंगे. कभी आपको मौका मिले विलेजेस में, रूरल एरियाज में जाने का, यू गाइस कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व दीज थिंग्स हियर, राइट. सो यहाँ पर बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर ऑफ विलेज पालमपुर. अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल चैप्टर, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका लंबा है. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एक बार अगर समराइज करना हो तो व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू गाइस नीड टू फोकस ऑन. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पालमपुर के इंट्रोडक्शन पे फोकस कर लेना है, पालमपुर का इंट्रोडक्शन बुक में क्या मेंशन है. देन यू गाइस हैव टू फोकस ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा लैंड, लेबर, कैपिटल और अपना एंटरप्राइज. एंटरप्राइज यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स एंड एजुकेशन, मतलब दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, और वो पुट इन टू यूज करते हैं इन ऑर्डर टू यूज ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. तो उसके बाद हमने वन बाय वन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पालमपुर में अप्लाई करते हुए देखा, एंड वी सॉ कि किस तरीके से लैंड वहाँ पर लिमिटेड है, तो स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज भी लिमिटेड है. उसको यहाँ पर ठीक करने के लिए कौन कौन से मॉडर्न इनपुट्स और इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया बाई दी फार्मर्स. फिर हमने यहाँ पर लेबर के बारे में देखा, फिर हमने कैपिटल के बारे में समझा, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो उसके बारे में हमने अपने थर्ड पार्ट में समझ लिया था, राइट. फिर हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, 25% इन्वॉल्व है, और कौन कौन से वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जिसके ऊपर आप सभी बच्चों को फोकस करना है. दिस वॉज वन थिंग दैट वी ऑल अंडरस्टूड. सो चैप्टर बहुत छोटा सा है, एमसीक्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो बुक में आपको देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर इन शॉर्ट हियर. सो माई कोड इज APRI10. आई वुड येट अगेन सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन विदाउट हेजिटेशन. गो एंड कन्विंस योर पेरेंट्स एंड यूज माई कोड APRI10 श्रद्धा भक्ति के साथ, ताकि आप अकेडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को मजा में एंजॉय कर सकते हो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन आफ्टर यू हैव वॉच द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू जस्ट लव द सेशन, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. सब्सक्राइब टू द चैनल हियर, एंड एज वी से लेट्स क्रैक इट, सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा, अगर नहीं होगा तो सर्च माई नेम ऑन अनअकैडमी अनुप्रिया, यू गाइस विल फाइंड मी देयर एंड फॉलो मी देयर एंड जस्ट लर्न अमेजिंग सेशंस और जॉइन द अमेजिंग सेशंस दैट आई एम टेकिंग देयर एज वेल ऑन दी स्पेशल क्लासेस. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.